हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में फिर से हम एक न्यू तिरंगा कलर में तोरण का डिज़ाइन देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें। आज हम इस तोरण को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको क्रोशे चलाना नहीं आता है, फिर भी आप इसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने तोरण का पट्टी किस तरह से तैयार किया है। डबल क्रोशेट से तैयार किया गया है। बहुत ही इजी है। अगर आप क्रोशे चलाना जानते हैं तो इसे देखकर आसानी से बना लेंगे। तो हमने इस तरह से थ्री कलर में बनाया है, देख सकते हैं। तो इस तरह से तोरण पट्टी अपने गेट के हिसाब से बना लेना है। तो हमने इस तरह से बनाया है। चलिए इसका लॉरी दिखाती हूँ। तो साइड से हमने इस तरह से लॉरी लगाया है, जिसमें देख सकते हैं 9 टिक्की का यूज किया गया है। टोटल 9 टिक्की है, देख सकते हैं। बीच बीच में हमने 5 मोती लगाया है। तो 2 झालर का साइज एक जैसा है, फिर 2 झालर इससे छोटा होगा, जिसमें 6 टिक्की होगा, देख सकते हैं। इसमें 6 टिक्की है। और इसका पम पम भी हमने वाइट कलर लगाया है, देख सकते हैं। तो बड़ा वाला झालर में टोटल 9 टिक्की लगाना है और छोटा वाला में 6। तो इसी तरह से बनाना है, देख सकते हैं। आई होप आपको यह तोरण डिज़ाइन पसंद आए। तो आप अपने घर के लिए इसे बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाया गया है, इस टिक्की को हम बनाकर दिखाते हैं। तो इस टिक्की को बनाना सीखेंगे। पम्पम के बाद हमने 3 मोती लगाया है, फिर उसके बाद 5 मोती लगाया है। वैसे मोती आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, मोती, पम्पम और टिक्की। तो चलिए इस तरह से हमें पेन या पेंसिल लेना है और इस तरह से धागा को पकड़ के इसमें आप अपने हिसाब से भी जितना बड़ा बनाइएगा उतना ज़्यादा इसमें धागा को लपेटिएगा। तो 100-150 इतना राउंड लपेटिएगा। तो चलिए मैं इसे पूरा करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी नए नए डिज़ाइन में तोरण चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत सारा तोरण का वीडियो अपलोड कर रखा है। आई होप आपको पसंद आ जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी नए डिज़ाइन में तोरण लेकर आऊँ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह तोरण आपको कैसा लगा। तो इस तरह से हमें धागा को लपेट लेना है, फिर यहाँ से कट करके लेना है। तो हमने धागा को कट कर लिया, फिर इस दोनों धागा को पकड़ेंगे, नीचे वाले को भी पकड़ेंगे और धीरे से इसे निकाल लेंगे। फिर इस दोनों धागा को पकड़कर हमें बांध देना है, अच्छे से टाइट करके बांध देना है। तो इस तरह से हमारा टिक्की बनकर तैयार हो जाएगा।
तो इस तरह से इस टिक्की को तैयार करना है। फिर एक्स्ट्रा उल को हमें कट करके लेना है, यहाँ से इसमें मिलाकर कट कर देना है। तो हमने इसे कट कर लिया। तो इस तरह से कट करके लेंगे। फिर इस टिक्की को इसी तरह से हमने बहुत सारा टिक्की को बना लेना है। फिर यहाँ से शुरू से हमें पट्टी से 5 और बीच में भी 5 मोती को लगाना है। फिर सभी कलर के टिक्की को लगाना है। आई होप आप इसे बना लेंगे। जब आप इसे गेट पर लगाइएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देख सकते हैं इस तरह से हमारा टिक्की बनकर तैयार है। आई होप आपको यह तोरण पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह डिज़ाइन कैसा लगा, और अपने गेट को इस तिरंगा कलर के तोरण से ज़रूर सजाएं। इसका पट्टी भी हमने दिखा दिया है, बहुत ही सिंपल है, बस डबल क्रोशेट से तैयार किया गया है। अगर आप क्रोशेट चलाना जानते हैं तो आप इसे आसानी से बना लेंगे बहुत ही कम समय में। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पे इसी तरह के डिजाइनर तोरण देखने को मिलता रहेगा। तो चैनल से जुड़ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।